फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ 2021 फॉक्सवैगन पोलो के बारे में। तो फ्रेंड, जो 2021 फॉक्सवैगन पोलो फेसलिफ्ट है, जिसका कि टीज़र है, वो रिसेंटली रिलीज़ कर दिया गया है। और फ्रेंड, इसका ग्लोबल डेब्यूट है वो 22 अप्रैल को होने वाला है। बट फ्रेंड, इसके वर्ल्ड प्रीमियर से पहले इसका जो मॉडल है वो टेस्टिंग के टाइम पे स्पॉटेड हो चुका है, जो कि हमें सिल्वर पेंट स्कीम में देखने को मिला है। और फ्रेंड, ये अपडेटेड हैचबैक के अंदर हमें न्यू ग्रिल एंड शार्पली डिजाइन बाय एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिले हैं। और फ्रेंड, इसके हेडलैम्प्स के बिलो हमें इल्यूमिनेटेड एलईडी स्ट्रिप देखने को मिली है, जो कि हमें फ्रंट ग्रिल रनिंग अक्रॉस देखने को मिली है। और फ्रेंड, इसका जो रियर सेक्शन है वो भी हमें रिवाइज देखने को मिला है। बट फ्रेंड, इसके अंदर हमें स्लाइडली अपडेटेड बम्पर एंड न्यू स्क्वेरिस एलईडी टेल लैंप्स देखने को मिले हैं, जो कि हमें बिगर फॉक्सवैगन गोल्फ से इंस्पायर्ड देखने को मिले हैं। और फ्रेंड, अगर बात करूँ इसके इंटीरियर के बारे में, तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें न्यूली डिजाइन डैशबोर्ड अलॉन्ग विद अ लार्जर न्यू टच स्क्रीन इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें मल्टीपल कनेक्टिविटी सर्विस के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसका जो हाई ट्रिम है उसके अंदर हमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें लेवल 2 सेमी ऑटोनोमस सिस्टम देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करो इसके इंजन के बारे में, तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें एग्जिस्टिंग इंजन सेटअप देखने को मिलने वाला है। मतलब कि फ्रेंड, इसके अंदर हमें जो टॉप एंड GTI वेरियंट है उसके अंदर हमें सेम 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर कि हमें 200 bhp का पावर आउटपुट देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें मैनुअल एंड DSG ऑटोमेटिक यूनिट ऐसे दोनों ही ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसका जो लोअर ट्रिम है वो हमें पेट्रोल, डीजल एंड CNG इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, ये कार है, मतलब कि न्यू जनरेशन फॉक्सवैगन पोलो है, वो हमें जल्दी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया कि 7th जनरेशन मॉडल है वो हमें हैवीली लोकलाइज MQB AOIN प्लेटफॉर्म पे बेस्ड देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें अपकमिंग फॉक्सवैगन टिगून एंड स्कोडा कुशाक का ही सेम आर्किटेक्चर देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जल्दी ये हमें इंडियन मार्केट में अवेलेबल देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।